वेलकम स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लासेस। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्क्राइब अबाउट द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब किए थे, जिसमें वी डिस्कस द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, मतलब माइक्रोब्स का यूज़ हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कर रहे थे। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर फॉर्म थ्रू द माइक्रोब्स, जस्ट लाइक इन बेकरी इंडस्ट्रीज। ओके, द अदर कंपोनेंट्स दैट इज ऑल्सो फॉर्म थ्रू द माइक्रोब्स, ब्यूरेजेस प्रोसेस या ब्यूरेजेस प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेन थ्रू द माइक्रोब्स, वी आर डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द माइक्रोब्स इन वेलफेयर वीडियोज। टूडे वी डिस्क्राइब द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। द सेकेंड पार्ट वी डिस्कस हियर इज द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मैनी टाइप ऑफ द प्रोडक्ट वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोब्स। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियोज एंड प्रेस द आइकन बेल। टूडे वी डिस्क्राइब द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। Different type of the industrial product which are obtained from the microbes. So first product which are obtained from the industries, that is the fermented beverages. Okay, is the fermented in दैट इज गिवन हियर इज द वन डायग्राम इज फर्मेंटेटेड प्लांट्स, जहाँ पर फर्मेंटेटेड किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेशन किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट का, ये वो प्लांट है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है आपका फर्मेंटेटेड बीवरेजेस। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्मेंटर्स? फर्मेंटर्स कहते किसे हैं? माइक्रोब्स आर ग्रोन इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड द फर्मेंटर्स। ठीक है, माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रोथ कराना एक वेसल्स में, एक पॉट्स में, उसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं। ठीक है, तो फर्मेंटेड ब्यूरेजेस में इसका फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। There are different type of product which are obtained from the microbes. Wala hoga fermented beverages. Second, antibiotics which are obtained from the microbes. Third one is the acid producing microbes. Some acid that is also produced through the different type of microbes. Enzyme producing microbes. Some microbes that is also helpful for the producing of enzyme which are useful for human welfare. Other useful bioactive molecules, some other molecules, biomolecules that is also obtained from the microbes, which are very important role for the maintain the health or for the human welfare. That is clear. Today we described one by one. First one we take the example is fermented beverages. In case of fermented beverages, normally that use the microbes here is the yeast. Is for production of wine, whiskey, brandy and rums. ठीक है, ईस्ट का जो प्रयोग किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन फॉर्मेशन में, विस्की फॉर्मेशन है और ब्रांडी या रम, मतलब डिफरेंट टाइप के जो बीवरेजेस हैं। ठीक है, वाइन्स है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ईस्ट। क्लियर। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, कॉमनली कॉल्ड द ब्रीवर्स ईस्ट, यूज्ड फॉर fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol. ठीक है, ethanol का formation के लिए Saccharomyces cerevisiae जो species है yeast की, this is the very important, इसको brewers yeast भी बोलते हैं, because they fermented the malted cereals, जो cereals का malted है, and fruit juice को वो convert कर देता है किसमें? Alcohol में। That is clear. थर्ड वन, वाइन एंड बियर्स आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन।
ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं वाइन और बियर फॉर्मेशन को विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू ये फॉर्म करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। डिस्टिलेशन यू नो अबाउट देम, डिस्टिल्ड करना मतलब उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना, लेकिन जो डायरेक्टली ग्रोथ कराते हैं इसके थ्रू, ठीक है, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस। विस्की, ब्रांडी एंड रम्स आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेटेड ब्रॉथ। फर्मेंटेटेड ब्रॉथ के थ्रू विस्की, ब्रांडी, रम का फॉर्मेशन किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूरेजेस विच आर ऑब्टेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दैट इज क्लियर, फर्मेंटेशन प्रोसेस। देयर इज एग्जांपल आर गिवन हियर, दिस इज द एस सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है, दिस इज स्पीसीज। देयर इज द फंगल्स, यूनिसेलुलर फंगस, यू नो अबाउट देम। दिस इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वी आर सी थ्रू द ओनली माइक्रोस्कोप्स। क्लियर, ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एंटीबायोटिक्स। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स वी आर ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सबस्टांस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। ठीक है, एंटीबायोटिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो एंटीबायोटिक टर्म, अब एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक टर्म वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द वॉक्समैन इन 1942। वॉक्समैन ने सबसे पहले एंटीबायोटिक टर्म को यूज़ किया था 1942 में। एंड फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कौन सा दिया था इन्होंने, पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड इज द पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और किस फंगस से ऑब्टेन किया गया, दिस इज द ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया था। एंटीबायोटिक हैव greatly improved our capacity to treat deadly disease such as plague, diphtheria, leprosy. जो deadly disease, जिसके कारण यदि डिजीज हो जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है डेड होने का, उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए एंटीबायोटिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल, मीन्स दैट इज द वेलफेयर। ओके, what is the function of antibiotics? Antibiotic function either as the bacterial side means killing bacteria, or the bacteriostatic means innovating growth of bacteria or inhibiting the growth of bacteria, isko inhibit karta hai, rokta hai. That is clear. This is the penicillin, different type of penicillin antibiotic aapko market mein milte hain, which are used for the protection of different type of disease. Except the penicillin, the other antibiotic that also used, just like a neomycin. Neomycin is obtained from Streptomyces freddi, and this is used the against antibacterial, against gram-negative bacillus. और जो नॉर्मली मार्केट में आप यूज़ करते हो, मैक्सिमम जो मिलता है क्लोरेम फिनिकॉल या क्लोरोमाइसिटिन, दिस द अनदर एंटीबायोटिक्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेंजुली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस लेवेंडुली। दे आर यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज टाइफाइड, टाइफस, उफिंग कप एंड बैक्टीरियल यूरिनरी इन्फेक्शन, इसके अगेंस्ट इसका यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, यह भी कॉमनली मार्केट में मिल जाता है आपको एंटीबायोटिक्स, दिस इज द ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस। दे आर यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड लोकल इन्फेक्शन। वन द अनदर इम्पॉर्टेंट इज टेट्रासाइक्लिन, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस
and used against the viral pneumonia, whooping cough, eye infection, etc. So this is the different type of antibiotic that is used that different type of disease. Next one is the antibiotic that is used, microbes are used as the acid producing microbes. There are different type of acid are producing through the different type of microbes. Just like first one, citric acid is obtained from the Aspergillus niger, which is a fungus. एक fungus है जिसके through citric acid obtain किया जाता है Aspergillus niger. Okay. Second, acetic acid is obtained from Acetobacter acidi, which is the bacterium. दूसरा acid है acetic acid, which are obtained from produced from Acetobacter acidi. This is the bacteria. यह एक bacteria है. Okay. Third one, butyric acid. Butyric acid is obtained from Clostridium butyricum, also a bacterium. Butyric acid is obtained from Clostridium butyricum. This is the bacterium. Clear? And last one is lactic acid. You know about them. Lactic acid is obtained from Lactobacillus. Okay, hai bacteria ke fungus hai. You write in my comment box. So lactic acid that is obtained from Lactobacillus species. This is a bacteria. Clear? So there are different type of acid which are obtained from different type of microbes. Clear हुआ ये point? Everyone got it this point? Okay. Next है enzyme producing microbes. Some microbes that is also helpful for the producing of enzymes. Different type of enzymes they are produced, which are helpful for the, they are useful for the human beings. First one, that is the proteases. Proteases enzymes produced from Aspergillus and Bacillus species. दो species है Aspergillus and Bacillus. इन दोनों से proteases enzyme use किया जाता है या obtain किया जाता है. Is used for the clearing and softening the material. Means the enzyme used as the clearing beer and whiskey. Beer और whiskey को क्लियरिंग करने के लिए. शॉर्पनिंग ऑफ ब्रेड एंड मीट. मीट को सॉफ्ट और मीट और ब्रेड को सॉफ्ट करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड एंजाइम्स है एमाइलेज. Amylase is obtained from the Aspergillus, Rhizopus and Bacillus species. A different type of microbes are obtained किए जाते हैं and they are used for the production of alcoholic beverages. Alcoholic beverages formation में इस microbes का use किया जाता है और enzyme भी use किया जाता है amylase that is used for the fermentation process. Degrade करने में use करते हैं इसका. ठीक है. Lipases enzymes is often from Candida lipolytica and Geotrichum candidum. ठीक है. Lipase enzyme that is often from two fungus that is here given Candida lipolytica and Geotrichum candidum. They are used for as laundry means detergent में इसका use किया जाता है for the cleaning करने के लिए. Streptokinase, this is a very important. Streptokinase produced by Streptococcus. Streptococcus से यह obtain किया जाता है streptokinase.
एंड दैट इज यूज्ड एज ए क्लॉट ब्रस्टर, क्लॉस्ट ब्रस्टर में इसका यूज किया जाता है. क्लॉट बस्टर मीन्स इट इज हेल्प इन द क्लियरिंग ब्लड क्लॉट्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ इंट्रावेस्कुलर फाइब्रिन्स. ओके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, दैट इज क्लियर. अदर यूजफुल माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का और भी सम अदर इम्पॉर्टेंट यूजफुल है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट लाइक वी ऑल्सो डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड, दैट इज द ईस्ट. साइक्रोबैसिलस सर्वेसिस जो ईस्ट है, दैट इज यूज फॉर्मेशन ऑफ द मेथेनॉल. ठीक है, एथेनॉल मेथेनॉल को फॉर्मेशन में सहायक होता है. स्ट्रेप्टोमाइसिस सर्वेसिस द स्पीसीज ऑफ ईस्ट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस कॉल्ड ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन ए, ये आपका एक प्रोडक्ट है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस. किस फंगस से ऑब्टेन करते हैं? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. किसके अगेंस्ट इसको यूज करते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है. इट इज द एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, ऑर्गन को ट्रांसफर किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे बॉडी में इसको इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है कोई ऑर्गन, तो हमारा बॉडी उसको अपना एंटीजन मानता है, उसको किल करना चाहता है. तो उसके अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज, सॉरी साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है जो उसको किल करने से प्रिवेंट करता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट, स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय द मोनस्कस परप्यूरियस, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. अनदर सबस्टांस है स्टैटिन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोनस्कस परप्यूरियस. या मोनस्कस परप्यूरियस माइक्रोब्स से ऑब्टेन करते हैं और इसका यूज है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल अधिक है उसको लो करना, कम करने का काम करता है. इसका कुछ एग्जांपल है जैसे लोवास्टैटिन, प्रोवास्टैटिन एटसेट्रा, दैट इज यूज फॉर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स. क्लियर. दिस द एस्पर्जिलस एस्पर्जिलस स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज. दिस इज द स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज विच आर यूज अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, मीन्स दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एज वेल एज द अदर प्रोडक्ट्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक्स.